साहब हरिमदास के प्रति ये शब्द सुनाए के बोले रहे कोई प्रकाश है माता निमा हट कर थे और जब माता निमा नीरू के बात नहीं माने तो नीरू भी खिसिया आ जाते और नीरू खिसिया के थे निमा ते ले कल मोले ले कल मोले ते हैं छोड़ के नहीं आवस तो मैं छोड़ के आ जाऊं कहा ओ माता निमा धर रहते लेकर पिता ने झटक दली जब वो लेकर छोड़ू के झटक थे तो कबीर साहब एकदम छोटे से बालक के रूप बनाए हैं और छोटे से बालक नीरू और निमा लग कहा थे तब बालक हूँ कारिया ले चले आपन राम मुक्ति संदेश सुनाई हो मैं आई हूँ यही काम और छोटे से बालक नीरू और निमा लग कहा थे हे माता हे पिता तुम अपन हंसी झंडर रहो इस होकर के मुला अपन घर में ले चलो कबर की मैं संसार में आहतन तू ही मल्ला सत्य को उपदेश दे बराए अगले जन्म में तुम्हारा बेटा जी स्वप सुदर्शन ओ स्वप सुदर्शन मोर परम भक्त रीश ओ सत्य लोग संदेश होकर मुक्ति हो गए लेकिन सत्य लोग जाए के पहले मुला बार बार कह रही हे गुरुदेव जाके मोर माता पिता मल्ले दर्शन दे दू मोर माता पिता मल्ले मुक्ति के भेद बता दे तो मैं अपन भक्त स्वप सुदर्शन वचन दे रही हूँ और अपन वचन निभा कर तुम मुला दर्शन दे बराए तुम अपन हसी झंडा रावा फिर सो करके मुला अपन घर में ले चलो रहेगी वो घर धन्य है वो गांव धन्य हो जाते जिन घर में कोई गुरु भक्ति करने वाला होते धन्य मात पितु धन्य है धन्य सुहृद अनुरक्त और धन्य ग्राम वहाँ जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त जिन घर में माता पिता रोज भक्ति करते हैं और लड़का अगर शराबी हो गए तो अपन माता पिता भी डुबा देते हैं जिन घर में माता पिता को दिन भक्ति नहीं करे एको दिन सत्संग नहीं करे दान नहीं करे और लेका को भक्त हो गए अगर भक्ति करना जान गए दान करना अगर सीख गए सत्संग करना को सीख गए तो अपन लेका में इतना पावर इतना ताकत रही थे अपन माता पिता भी तार लेते कोई कल से माता पिता मतलब अवश्य करके चाहिए जब अपन लेकर जन्म दे तो अपन लेकर जन्म दे के साथ साथ संस्कार जरूर देवन आजकल माता पिता मोटर कार देते घर द्वार देते सब देते लेकिन संस्कार नहीं देवत नहीं देवते और संस्कार नहीं देवत उनके कारण सब घर के लिए मन इतना बिगड़ जाते आज देखे सब घर के लिए मन पढ़े लिखे ज्यादा है लेकिन आदर करे पर बंदगी प्रणाम करे पर नहीं जाने सही बात है पहली सियाने मन बने रहा है भले कम पढ़े लिखे रहा है भले अनपढ़ रहा है पर अपन से बड़े मर्यादा करे बर प्रणाम करे बर जाने भैया भाई घर में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहा है जी अनपढ़ आदमी ज्यादा रहा है लेकिन अगर घर में कोई मेहमान चल रहा है तो अनपढ़ मल्ला भी बताल नहीं लागे जा मेहमाना है प्रणाम कर लो लेकिन जेकर घर में कब पढ़े लिखे बहु बेटा थे ना वही मतलब बताल लागते मेहमान है प्रणाम कर लो हाँ तो मन पर काय काय पढ़त लिखत रही थे ना कब पढ़े आजकल सब कॉलेज का थे एमएससी का थे मेट का थे बीएड का थे डीएड करे थे लेकिन एम ए बी ए करिए घर में कोई मेहमान आ गए तो कर जा प्रणाम कर रहा हूँ करनी जाने वो और बतावे तब प्रणाम करे बराही और वही तक कैसे प्रणाम करते कैसे नौकर गोड़ा छुआवे नहीं नौकर हाथ होकर माथा में बस ऐसे अधरे अधले हाथ लहल आदि तान हो गए भैया ऐसे आजकल सब आदमी इतना फैशन के साथ प्रणाम करते हैं ऐसे प्रणाम करते आज आदमी है मारे छुआगत मारे चले से कर दे मुड़ा हमरा के मुड़े एक पट इतना हो गए लड़का मना और नहीं हमरा ही तो ऊपर में नहीं करे ऐसे आजकल के दुनिया वाले पहली गोड़ के पापड़ है आजकल में देखा तो ऐसे हाथे कैसे पापड़ देते अरे जेल में छुआ गए तेल में लपन छू दे तो जान में नहीं करे प्रणाम काकर करे जाते कैसे करे जाते खड़े बंदगी बैठे सलाम कहे कबीर ये दोनों हराम खड़े खड़े बंदगी नहीं करे जाए और बैठे बैठे कोयला सलाम नहीं करे जाए तब बात ऐसे भी है ना पहली का है गाँव मन में स्कूल रहा है यहाँ गुरु जी रहा है मास्टर रहा है उमन प्रणाम करे बर सीखो है आजकल की स्कूल में न तो गुरु जी नहीं है न मास्टरे है नहीं है तो कौन प्रणाम करे बर सीखो ही आजकल की स्कूल में का है रही आजकल की स्कूल में सरसर आ गए सरसर मन थोड़े ठेकर ले है प्रणाम कराएगी अरे आजकल भी गुरु जी लेकिन आजकल के मन गुरु जी नहीं कहा है हाँ वो फटफटी सर ले आते सर ले चल देते टाइम में नहीं मिलेगा आजकल सर और मैडम के जमाने हैं जी पहले स्कूल जावन गुरु जी में देखन तो प्रणाम गुरु जी कहान गा आजकल के लिए मन जब बिनिया कर स्कूल जाते हैं जी अपन सर ला देखते तो काटते जानते सर आगे जेनी काय काय कहात रही थे लड़का मन हमर समझ होत नहीं आवे आजकल के लड़का मन जब बिनिया कर स्कूल जाते हैं अपन सर ला देखते ना तो गुड मॉर्निंग सर के थे गुड मॉर्निंग हमला उसने कहे नहीं आवेगा हमला कहूँ कहल की देवे ना गुड़ में मार दी सर ऐसे नहीं
उल्टा पुल्टा हो जाइए। गुड़ में मार दी सर नहीं खाएगा ता? वो गुड मॉर्निंग आज करके लेका मन सब जानते वही मन जाना इंग्लिश पढ़ाई अमन देख मैं जाना था कि हाथ उठावत लेका मन हां त नहीं जानही बड़ी ऋषि मुनि साधु संत मन हां पहली लेका मन भी चार बार प्रणाम करें हां जी बिहिया कर उठते साथ स्नान करे के बाद में हां जी शाम के समय रात के सोई के पहली सब के प्रणाम कर ले तब आराम करे तब आराम करेगा। आज कल के लड़का मन अते कलाल अते कोढ़िया हो गए है। हाँ जी। प्रणाम करे मन मत लागे कही के हाँ। भैया कन गुड मॉर्निंग की थे। हाँ जी। मझनिया हो गए गुड आफ्टरनून काय गड़नून अरे गड़नून नंद आगे है आज कल। हाँ आज कल तो पीसी नून आगे हैगा शाम हो गए गुड इवनिंग हाँ जी। और रात कल गुड नाइट वाला पाप रे नहीं लगे भैया दूरी हल कही देते ताल हो गएगा जबकि अपन से बड़े प्रणाम तो राम भगवान भी करत रीश हाँ जी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा राम भगवान भी जब बिया कन उठे ना तो माता पिता गुरु प्रणाम करे हाँ जी। आज कौन बिया कन उठ के अपन माता पिता गुरु प्रणाम करते आजकल के मन कहाँ गा बिहनिया लूटते साथ तो टीवी चालू कर देते नहीं तो मोबाइल ला देखे धर लेते कौन कौन गुड मॉर्निंग भेजे है अरे भाई कम से कम बिहिया कर उठ के माता पिता गुरु प्रणाम करना चाहिए बिहिया कर हमला मोबाइल के टीवी के याद आ जाते लेकिन माता पिता गुरु के याद नहीं करन जितना हो सके अभिवादन शिलस्य नित्यम विद्धो पसे बिना चतवारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम जिन आदमी अपन माता पिता प्रणाम करते साधु संत के आदर करते वो आदमी का आयु बढ़ते बल बढ़ते विद्या बढ़ते और यश बढ़ते कोई कारण से बड़े प्रणाम करना भी चाहिए लेकिन आजकल आदमी मन इतना फैशन में भुलावत जाते हैं पहले का आदमी मन भक्ति में महान रही से आजकल के मन फैशन में महान है। हाँ तो आजकल लड़का मन के कपड़ा लत्ता मन घलो बड़ा उठ पुटांग तो बने बने रही थे ऐसे आजकल कपड़ा पहनते बड़ा डिजाइन वाला हाँ। एक तो एकदम टाइट फिटिंग और नहीं फिर चिराग वाला कपड़ा है आजकल तो हाँ जी। ऐसे डिजाइन कपड़ा पहनते इतना मॉडल है आजकल की दुनिया वाले हाँ जी। करेगी दाई दादा मन कहूँ कहा थे जान बेटा सगा है पाँव पर ले रे की तो लड़का पार परे बन नीर थे तो कर पहन फर फर ले चिरा भाई दोनों अंजलि रख करके साहब बंदगी साहब बोल करके तीन बार बंदगी करना चाहिए हाँ जी। आज कभी पंथी मन भी आजकल बंदगी करे बन नहीं जाने कभी पंथी मन घरों मॉडल बन गए हैं हाँ जी। जेने मेरे छुआ गए तेने मेरे छुए वाला तो डिजाइन वाले कपड़ा मतलब पहन डर रही थे ना उमन इतना फैशन में मन भुलावत जाता हाँ जी। कपड़ा भी इतना फैशन से पहनते हैं हाँ वो लड़का मन का फुल पैंट पहनते ना तैसे मारी मन है चिराए चिराए वाला और लड़की मन का टी शर्ट संग पहने रही थे परिवर्तन से संसार है अब हो जाता आजकल ब्लाउज मन घलो चिराल धर ली लड़का भर मन थोड़े वा सियानो मन कई प्रकार पहनते कतको जन वहा डोकरा मन में देखता हूँ नहीं तो जीन्स और टी शर्ट पहने रहते अब कतको जन में महतारी मन देखता हूँ तो वह नारा वाले भी लाउज पहनते अरे आजकल आनी मानी डिजाइन है रागी मैं वो शुरू में देखे नहीं गा तब मैं का समझाऊ पीठ दहन कोनो मिर्ची रागे हुई तैसे दोनों मुड़ल खींच के बांधे हुई काम बाद में पता चली तदा नया डिजाइन उतरे वो अब अगल बगल मन में घलो नारा लग गेल लेगा हां ऐसे काय फुंदरा सा नौ बनवा रही थे बाही मन में डिजाइन बनवाएं किथे थन का कर आज आजकल देख सही बात है घलो करते तैसे लगते हो डिजाइन बनवा रही थे कटवा रही थे बाही डहन लते काबर अभी सब जन ल करो ना टीका लगत रिसगा तू मतलब कपड़ा खसकाई नहीं लगा उही में अपन को भवाले वाले इतना फैशन में मन भुलावत जाता है परिवर्तन भाई फैशन मत करे से बात नहीं फैशन के जमाना है फैशन भी कर लेकिन पहली के माता मन भक्ति में इतना महान हुए हैं सती ने सुया भक्ति करके ब्रह्मा विष्णु महेश अपन लेकर बना दी हाँ वो आजकल कतको माता मन का भक्ति करते अपन खुद के लेकर लेकर नहीं बना सकते भाई फैशन करते तो फैशन के साथ साथ भक्ति भी तो महान होना चाहिए ना पहली के माता मन तो भक्ति में महान हो रही और भक्ति महान हो गए तो आज दुनिया होकर नाम चलत है सती सावित्री इतना भक्ति करे है अपन मरे पति सत्यवान अभी जिला के यमराज से लड़के ये भाव सागर मिला दी वो आजकल कतको माता मन का भक्ति करते अपन पति चला लड़के यमराज में पहुंचा दे तो भाई जितना हो सके फैशन मत करे से नहीं मोबाइल मत देख टीवी मत देख ऐसे भी नहीं अरे मोबाइल भी देख टीवी भी देख फैशन भी कर लेकिन भक्ति भाव भी अपन अंतकरण में अपन मन में होना बहुत जरूरी है बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहे बंदगी साहे
पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब अभी लेते राम के दर्शन नहीं पाए तोरे नैना रे बड़ा पापी तोरे
दस्ता बना ले रे दस्ता बना ले कुछ नहीं बिगड़े भाई दस्ता बना ले जी दस्ता बना ले कुछ नहीं बिगड़े भैया दस्ता बना ले जी दस्ता बना ले कुछ नहीं बिगड़े भाई रस्ता बना ले रे रस्ता बना ले सत्य नाम हीरे दे माया अब तो बसा ले रे अब तो बसा ले सत्य नाम हीरे दे माया अब तो बसा ले जी अब तो बसा ले सत्य नाम हीरे दे माया अब तो बसा ले रे अब तो बसा ले सत्य नाम हीरे दे माया अब तो बसा ले रे अब तो तैयार हो बड़ा प्रेम से माँ तनिमा पिता निरु सदगुरु कबीर साहबला काशीपुरी में लाए है अपन घर में लाए है तो कोनो गांव के बात हो है कोनो गांव में ककरो घर में जब नवा बहू आते ना ते महतारी मन के अड़बड़ सौकरी थे वो फलानी के बोल हमन देख लेते वाह घाते सौखेगा इकर मन के तेनो अकेला जाके देख ले नहीं का और पड़ोसी मन ला बुलाते चलना वो फलानी घर नवा बहू आए देखे जाबो कौन उही दिन देखी ता देखी आन दिन देखी ता कौन जनी जुन्ना जे की थे धन महिला जे की थे अरे महिला जे नहीं कहेगा ककरो घर में जब नवा नवा बहू आई थे ना हाँ जी ते महतारी में लतका सौंक रही थे कतका बार फलानी के बहुल में देखा हाँ जी जरूर माता मतलब सौंख लाग थे भारी लुक लुक आ रही थी उमन का हर चीज में माता जी मतलब सौंख लाग थे गा हाँ जी पिता मतलब ज्यादा सौंख नहीं लागे लेकिन माता मतलब कोनो देखे के सौंख लाग थे पहने के सौंख लाग थे घूमे के सौंख लाग थे डांस करे के सौंख लाग थे देख ना तबियत लड़का मतलब पोटारे पोटारे बैठे भाई मामन तो महान होते सौख लागती तो उमन पोटार के बैठती चूही में धर के भाई मामन सब छोड़ दी लेकिन महतारी मन थोड़े छोड़ी गया हाँ जी अरेगी जब गांव में पिता निरु माता निमल गौना करा के ले गए हैं हाँ जी सब गांव भर के महतारी मन की थे आज निरुहा निमन बहु लीक लाने हैं हाँ जी तो चलो निरु घर देखे पर जाबो हाँ सब जन देखे पर आते हैं हाँ जी जब देखे पर जाते हैं तब माता निमा ते जन लीका धर के आ रहा है हाँ जी सब देखिया मन देख के की थी यही आज जन निरु है लीक लाने हैं बहनी फिर बात ये ते जन लीका धर के आ है या हाँ वो माता निमल देखे पर गिरा है लेकिन निमल कोनो नहीं देखा थे हाँ जी वो लीका धर के गिरा है ते लीका जरा देखा सब वो लीका देखा हम भूल आ गए वहां का कबर की लीका रूप घलो बहुत सुंदर दिखत रही है हाँ जी कबीर साहब जी सहान पुरुष ने रीश हाँ। कबीर साहब के एक रोम करोड़ों सूर्य के प्रकाश में रहने वाला हाँ जी ओ परमपिता परमात्मा कितना सुंदर दिखत रही हाँ। हमर घर में जब कोनो बालक जन्म लेते हैं हाँ जी ओ लड़का जब बालक रूप में थे सब घर के लड़का मन कितना सुंदर दिखते हाँ। दूसरा अभी देख के लगते कि ओकर लड़कन में पा लेते हैं हाँ जी और सतगुरु कबीर साहब तो इतना बड़े महान पुरुष रही से हाँ जी जेकर एक रोम करोड़ों सूर्य के प्रकाश में रहने वाला जब वो परमात्मा इस संसार में आकर के अपन रूप एकदम छोटे से बालक रूप बनाए रही है तो
कबीर साहब कतका सुंदरता सुंदर दिखत रही सोही ओकर सुंदरता के वर्णन नहीं कर सकत। आओ जी, अरे जतका माता देखे पर जावत है ओ लइका से देखे में भुला गए, माता निमल कोनो नहीं देखे पाई। आओ जी, अब ओ लइका देख के अपन अपन घर डहन जावत है। हाओ, त जावत जावत सब जन महतारी मन गोठियावत है। काय कहत है? एक जन महतारी के सुनथस बहिनी। हाओ जी, आज जे निरू लिख लाने है फिर ओ हते जन लइका धर के आए। हाओ जी, फिर निरू के घर में जे लइका है ना ओ लइका खलौड़ पर सुंदर दिखत रही। हाओ जी, त ओ निरू घर के लइका तुमन देखे हो या? हाओ, ओकर सहेली मन के थे हां हां बहिनी कहान लगे भाई मोर, हां बहिनी बोलन लगे भाई मोर, हां बहिनी कहां धावे भाई मोर, हां बहिनी बोलन लगे भाई मोर। हां बहिनी, हां ओ निरू निमा के घर में जे लइका आए है ना। हाओ जी, ओ लइका हमन देखे हैं बहिनी, ए अड़पर सुंदर लइका धर के आए है। हाओ, किथे कस बहिनी ते ओ लइका देखे हो कि थे? हाओ जी, ते ओ लइका का आखिल देखे है जिया? हाओ, कतका सुंदर दिखत रिस तेल्ला। हाओ जी, ओकर पड़ोसिन किथे टार बेरी मैं ओ लइका काकिस भला नहीं देखे पाए। हाओ, मैं तो लइका के नाकिस ला देखत रहो या। हाओ जी, एसन बता रही किथे कस बहिनी ते ओ नीरू घर के लइका देखे है जिया? हाओ, किथे देखे हो बहिनी और बड़ सुंदर लइका धर के आए है। हाओ जी, किथे कस बहिनी ते ओ लइका कोट ला देखे है जिया? हाओ, कतका सुंदर दिखत रिस तेल्ला। हाओ जी, ओकर पड़ोसिन किथे टार बेरी मैं ओ लइका कोटेज भला नहीं देखे पाए। मैं तो लिखा गाले से देखत रहे हैं। हाओ जी, तक कबीर साहब का सुंदर दिखत रही से। हाओ, जिन हाथ देखत तिन हाथ देखत रही गे, जिन पैर देखत तिन पैर देखत रही गे, जिन मुंह देखत तिन मुंह देखत रही। वहां देखे जावे वो लइका देखे त टक टक की लगे बरोबर हो जावे। वो लइका जो देखे भुला जावे। हाओ जी, अतका सुंदर सतगुरु कबीर साहब दिखत है। हाओ, ए बात पूरा गांव भर में फैल गए कि नीरू निमा के घर में जे लइका आए है वो लइका और बड़ सुंदर है और बड़ सुंदर है और बड़ सुंदर है। हाओ जी, जिन नहीं देख रहा है तिनो देखे पर जावत है। हाओ, रह गए। हाओ जी, ये बात पूरा गांव भर में फैल गए। हाओ, कि नीरू निमा के घर में बड़ सुंदर बालक आए हैं। हाओ जी, नीरू निमा भी सतगुरु कबीर साहब अपन घर में रह गए हैं, लेकिन साथ वो लइका पर बड़ा सुंदर पालना बनाए हैं। हाओ जी, और सतगुरु कबीर साहब ला पालना में झुलावत है। हाओ, लहर तारा मेगा फूले है कमल, लहर तारा मेगा फूले है कमल, लहर तारा मेना लहर तारा मेगा फूले है कमल, लहर तारा लहर तारा मेगा फूले है कमल, लहर तारा मेना। नीरू नीमक भाग जागे बिहरिया के बेरा, नीरू नीमक भाग जागे बिहरिया के बेरा, कमल फूल में लिखा देखो लागे दुख पीरा, लहर तारा मेगा फूले है कमल, लहर तारा मेना लहर तारा मेगा फूले है कमल, लहर तारा मेना। करवाने वाला परिवार लजन ऐसा छठी के उपलक्ष्य में भी सत्संग करवाते हैं, और वैसे भी अगर यहाँ तो भाई लड़का और लड़की दोनों के जन्म हुए हैं तो ज्यादा धन्यवाद एक घर वाले परिवार मल्ला, और आप सब सुनिया मल्ला भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें तत्न मन धन लगा करके सत्संग श्रवण करा था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।